दो पत्रकारों को गोली मारने का मामला, पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया है। सोनभद्र से खबर, दो पत्रकारों को गोली मारने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया। एक आरोपी ने कोर्ट में पहले ही कर दिया था सरेंडर। बता दें कि 14 जुलाई को दो पत्रकारों को बदमाशों ने गोली मारी थी। पुलिस के खुलासे से असंतुष्ट है पीड़ित पत्रकार। रायपुर थाना क्षेत्र के खलियाली बाजार का मामला, बता दें कि एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और एक आरोपी ने पहले ही कोर्ट में खुद को सरेंडर कर दिया था। पुलिस के खुलासे से असंतुष्ट है पीड़ित परिवार। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर मामले का किया खुलासा। एक आरोपी ने कोर्ट में पहले ही खुद को सरेंडर कर दिया था। 14 जुलाई को दो पत्रकारों को बदमाशों ने मारी थी गोली। एक आरोपी ने कोर्ट में पहले ही किया था सरेंडर। पुलिस के खुलासे से असंतुष्ट हैं पीड़ित परिवार। रायपुर थाना क्षेत्र के खलियारी बाजार का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। चौदह जुलाई को दो पत्रकारों को बदमाशों ने मारी थी गोली। एक आरोपी को पुलिस आज गिरफ्तार कर लिया है और एक आरोपी ने पहले ही खुद को सरेंडर कर दिया था। पुलिस के खुलासे से असंतुष्ट है पीड़ित परिवार। रायपुर थाना क्षेत्र के खलियारी बाजार का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर मामले का किया है खुलासा। एक आरोपी ने कोर्ट में पहले ही कर दिया था सरेंडर। 14 जुलाई को दो पत्रकारों को बदमाशों ने मारी थी गोली। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अरविंद दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद जी, सबसे पहले तो क्या कुछ ये पूरा मामला था? जी, आपको बता दें कि ये सोनभद्र में बीते 14 जुलाई का मामला है, जहां पर दो पत्रकार, प्रतिष्ठित अखबार के दो पत्रकार चाय पी रहे थे। चाय की दुकान पर दो बाइक सवार आए और बाइक पर सवार दोनों हेलमेट पहने हुए थे, उन्होंने गोली चलाई, जिसके बाद मामला पूरे जिले में फैल गया। तो वहीं जिले में दहशत का माहौल भी हो गया। यह बिहार के सीमावर्ती और उत्तर सोनभद्र के सबसे आखिरी थाना क्षेत्र का है मामला, रायपुर थाना क्षेत्र है, जहाँ से बिहार बॉर्डर महज 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। तो वहीं घटना के तुरंत बाद से पुलिस प्रशासन हरकत में आई। लगातार संबंधित को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा था। मामले से जुड़ा एक आरोपी बिहार के भभुआ में जाकर के अपने आप को सरेंडर कर दिया किसी अन्य मामले में। तो पुलिस एक मुख्य आरोपी को कह सकती है पकड़ी। पुलिस खुलासा करते हुए पुलिस ने दावा किया कि यही मुख्य आरोपी है, मामला है। इसी मामले को लेकर के पत्रकार पुलिस से पूरी तरह से असंतुष्ट दिखाई दे रहे हैं और पत्रकारों में न केवल रोष व्याप्त है बल्कि मजिस्ट्रेटियल जांच की मांग भी कर डाली। तो वही मामले को लेकर के पत्रकार जिलाधिकारी के यहाँ पहुंचे और बताते हुए बताया कि पुलिस कहीं न कहीं मुख्य आरोपी को बचाने के प्रयास में है। जी बिल्कुल, अरविंद आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि पुलिस से जो खुलासा किया, उस खुलासे में क्या पाया गया है? आखिर बदमाशों ने पत्रकारों को गोली क्यों मारी थी? उठना चालू हो गया पत्रकारों के असंतोष का कारण भी यही बना कि जो है पुलिस का स्टेटमेंट अलग अलग आ रहा है, यानी प्रिंट मीडिया को जो विज्ञप्ति दी जा रही है पत्रकारों के अनुसार, यानी पीड़ित पत्रकार का जो आरोप है, प्रिंट मीडिया को कुछ और बातें बताई जा रही है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बाइट के दौरान कुछ और बताई जा रही है, कहीं और कोई और बात बताई जा रही है। मतलब संबंधित पीड़ित पत्रकार का आरोप है कि पुलिस का ही बयान तीन चार तरीके से आ रहा है अलग अलग, जिस कारण से पुलिस के इस कार्यशैली पे संदेह है। उच्च अधिकारियों से अरविंद आपने बात करने की कोशिश की, उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पे?
कप्तान समेत सभी लोगों ने तो पुलिस विभाग का कह सकते हैं पुलिस विभाग से जुड़े सभी अधिकारी ने तो इसका खुलासा करते हुए पटपेक्ष कर दिया कि नहीं ये अब खुलासा हो चुका है मामले का, ये चीज ये ऐसा एंगल था। लेकिन अब डीएम क्या गया है, डीएम जो है इस मामले को जांच कराने को लेकर के निर्देश दिए हैं और गंभीरता से लिए हैं। पत्रकारों ने एक समूह रूप में जाकर के डीएम को कल ज्ञापन सौंपा है तो वहीं डीएम ने कहा है कि त्वरित कार्रवाई की जाएगी और अगर जांच से असंतुष्ट हैं तो जरूर जांच कराई जाएगी, आश्वासन ऐसा डीएम की तरफ से मिला है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बता दें आपको कि 14 जुलाई को दो पत्रकारों को गोली मारी थी जिसमें से एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।